सोमवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने पुरानी कुड़ाना खदान के घटनास्थल पर भेंट दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने वेकुली अधिकारी व धनसार इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक को फटकार लगाते हुए कहा कि कर्मचारी निजी कंपनी का रहे या वेकुली का, किसी पर भी अन्याय नहीं होना चाहिए, अन्यथा इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। वेकुली माजरी की पुरानी कुनाड़ा कोयला खदान में 30 नवंबर की रात 500 मीटर का रेती का टीला ढहने से 6 लोग गंभीर घायल हुए थे। निजी कंपनी की करोड़ों रुपए की मशीनरी अभी भी मलबे में दबी हुई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने निजी कंपनी के कामगारों से चर्चा कर धनसार कंपनी के प्रबंधक चंद्रमा सिंह व वेकुली माजरी क्षेत्र के महाप्रबंधक एलैया को निर्देश दिए कि कामगारों के साथ बैठक लेकर उनकी क्या मांगे है वह पूर्ण करे। जब तक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती व सुरक्षा समिति के संचालक द्वारा अनुमति नहीं मिलती, तब तक कोई भी काम शुरू न करने के निर्देश हंसराज अहीर ने दिए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री संजय देवतले, कामगार नेता उमेश बोड़ेकर, नरेंद्र जीवतोड़े, हिंसन राव, भाजपा जिला महामंत्री राहुल सराफ, किशोर गोवर्दीपे आदि उपस्थित थे। डब्ल्यूसीएल की एक जुना कुनाड़ा ओपन कास्ट माइन है, डीप ओपन कास्ट बोल के इसको कहा जाता है। प्राइवेट कंपनी यहाँ काम कर रही थी। पिछले वीक में यहाँ पर एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, स्लाइड हुआ है और इसमें कुछ मशीनें भी दबी हैं, लेकिन साथ में काम करने वाले मजदूरों को भी उसमें दब गए थे, लेकिन सौभाग्य से किसी की वहाँ जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जितने भी इंजर्ड है सब ठीक है, लेकिन गलती दिखती है यहाँ पे। जो भी यहाँ पर सीएम पीजीआई का जो डिज़ाइन होता है वो डिज़ाइन के अनुसार ही काम किया जाना चाहिए। अब इसकी जाँच चल रही है, सीएम पीजीआई हो, डीजीएमएस है और राहुल केला की अपनी एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो अपना आईटी, उसको भी यहाँ पे जांच के लिए लगाया गया है। और अगर दोबारा ये घटना ना हो इसके लिए हमने आज उन्हें हिदायत दी है, सूचना दी है। और यहाँ जो काम कर रहे कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स हैं, इनका कभी भी नुकसान ना हो इसका ख्याल रखने के लिए हमने आज सूचना की है, बल्कि कॉन्ट्रैक्टर को ताकीद भी दी है। इन्हें पूरे सेफ्टी के लिए लगने वाले सारे इक्विपमेंट देने चाहिए और उसके बाद ही काम करना चाहिए। बाकी तो शिकायतें हैं और कुछ नहीं सैलरी गिल्डी के बारे में, लेकिन भविष्य में ऐसा एक्सीडेंट ना हो ऐसे कॉली इस एरिया के जीएम से हमने आज सूचना की है। और एक डब्ल्यूसीएल का एक बहुत ही कोयले का उत्पादन करने वाला एरिया है, ये उत्पादन जारी रखने के लिए यहाँ के व्यवस्थापक महाप्रबंधक जी को ही काफ़ी ध्यान देने के लिए हमने कहा है कि भाई देश के लिए उत्पादन होता है, दोबारा ऐसे एक्शन ना हो। सभी कामगारों से बात हुई है जो काम कर रहे हैं, उन लोगों से उनसे भी पूछा गया है, उन लोगों ने कुछ शिकायतें की है, कुछ मांग भी रखी है, उस मांग के अनुसार आगे काम होगा। आपने जो पूछा है कोल आवंटन घोटाले में जो पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा जी को जो सजा हुई है, जो दंडित किया गया है, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला हुआ था। ये सीएजी की रिपोर्ट के बाद में सरकार को, तत्कालीन सरकार को समझ में आई थी बात, और ये हकीकत है। आज कोर्ट ने भी सजा सुनाई है, एक कोल आवंटन घोटाले में पहली सजा है और पहला दंडित किया गया है, वहाँ के अधिकारियों को भी सजा सुनाई है। लेकिन तत्कालीन सरकार की अनेक खामियाँ थी, गलतियाँ थी, नीयत तो साफ नहीं थी, ये साबित हो चुका है। अब मेरा दावा है इस बात को लेकर कि एक मधु कोड़ा ही नहीं और भी कई ऐसे यूपीए सरकार के मंत्री होंगे, नेता होंगे, कि इन लोगों ने कोल ब्लॉक आवंटन प्रक्रिया में काफ़ी बड़ा भ्रष्टाचार किया था और इसी के चलते सरकार भी बदली और भविष्य में और आने वाले दिनों में कई लोगों को सजा होने का मैं दावा करता हूँ। कई कंपनियों को मदद दी गई थी और देश की प्रॉपर्टी को लुटाया गया था। ये और भी कई वर्षों तक के मामले चलते रहेंगे, 10 वर्षों तक ये कोयला जो है, कोयला भ्रष्टाचार की आग बुझेगी नहीं। इतनी बड़ी गलतियां यूपीए सरकार में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के कार्यकाल में हुई है, ये सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज सजा मिली है एक पूर्व मुख्यमंत्री को। आगे दिनों में और भी ऐसे कई लोग छपड़ेंगे, उनको सजा भी मिलेगी, दंडित भी किया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इन्हीं ब्लॉकों को ऑक्शन किया गया है और लाखों करोड़ रुपया देश की आमदनी बढ़ी है, रेवेन्यू मिला हुआ है, ये पूरा देश जानता है, देश देख रहा है।
तो एक भ्रष्टाचार का हट गई है और भ्रष्टाचारी लोगों को सजा मिलने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। और जिस दिन ये घटना हुई वो टाइम में मैं ड्यूटी पे था, रात के 1 बजे की घटना है, 30 तारीख की 1 बजे की घटना है ये करीबन। वो टाइम में जहाँ से क्रैक हुआ था वहाँ पे अपने WCL के कर्मचारी थे कुछ, और हमारे इंचार्ज भी थे। जहाँ से क्रैक हुआ स्लाइड हो गया वही 10 मिनट के पहले मैं वहाँ खड़ा था। मैं गाड़ी खाली करके आया उसके पहले ही नीचे चला गया था पूरा। तब पता चला कि इधर आने के बाद कि गाड़ी मशीन दब गया थी। तो हम लोग सब ड्राइवर लोग या जितने भी ड्यूटी पे थे कर्मचारी सब लोग जाके उनको बचाने के इसमें लग गए। और हमारा WCL के ऊपर भी ये है कि ये WCL की लापरवाही से और कंपनी की लापरवाही से ये हुआ है, जो हादसा हुआ है। उन्होंने अपने हाथों से यानी कि मर्जी से, उनकी मर्जी से वो हादसा हुआ है समझ लो। उस दिन 100 लोगों के करीब काम पे वर्कर थे, और जो स्लाइड हुआ है ऊपर से नीचे तलक, और जो टाइम पे स्लाइड हुआ है वो टाइम पे WCL का एक अपना और मैन वहाँ पे था, उसका नाम खान साहब है। और उनको बताने के बाद भी उसने ध्यान नहीं दिया, और जैसे हमारी गाड़ी मशीन पे लगी वही टाइम पे ऊपर से मेरी मशीन के पास से पूरा स्लाइड हो गया। वो ऑपरेटर मेरे को आके बता रहा, भैया स्लाइड हो गया, बोले निकालो गाड़ी, बोले एक बकेट डाल के गाड़ी वहीं पे अभी भी पार्किंग में खड़ी है।